नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। महंगाई की मार झेल रहे राजस्थान वासियों को अशोक गहलोत की सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट 2% कम करने का फैसला किया है। इससे प्रति लीटर पेट्रोल 1.70 रुपए और डीजल 1.60 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। वैट घटाने से ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि प्रदेश के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए को पार कर गया था। दरअसल राजस्थान में वैट की दरें ज्यादा होने के साथ साथ जोधपुर से श्रीगंगानगर की दूरी ज्यादा होने की वजह से ट्रांजिट चार्ज भी ज्यादा लगता है। पेट्रोल डीजल के परिवहन में लगा ज्यादा ट्रांजिट चार्ज भी उपभोक्ताओं से ही वसूला जाता है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर का पड़ोसी राज्य पंजाब में पेट्रोल और डीजल की दरें लगभग 11 रुपए कम है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की तस्करी को भी बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बात करें तो यहां पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा वैट लगता है। राजस्थान में राज्य की तरफ से पेट्रोल पर जहां 38% वैट लगता है, वहीं डीजल पर यह दर 28% है। कोरोना को लेकर फंड जुटाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, जिसके चलते राज्य में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।